क्या ना, और फिर मिलना बहुत ही दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे चट्टी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं चौरा पे। आप देख सकते हैं यह आइलैंड, तो ये चौरा आइलैंड है। देख रहे हैं पीछे आउटपोर्ट है, वो इसी में पैसेंजर को लेके आया जाता है और भेजा भी जाता है। एक आपको मैं दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं पैसेंजर सब इसी में उतरते हैं और चढ़ते हैं और इसी में उनको भेजा जाता है। एंड यहाँ के लोग इसी तरह से अपने बोट को अवेल करते हैं क्योंकि जट्टी तो बहुत ही छोटा है, ओपन सी भी है। एंड इसी तरह से ये लोग यहाँ पे अपने बोट लेते हैं एंड जो राशन आइटम्स है यहाँ से भी उतारा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि इन केस अगर कल को वेदर ख़राब होता है, जैसे मानसून के टाइम में वेदर ख़राब होता है एंड तो शिप भी वही वेदर कंडीशन के हिसाब से उनको जाना रहता है अलग अलग आइलैंड पे। तो कभी कभी शिप का प्रॉब्लम हो जाता है, वो नहीं आती है क्योंकि वेदर कंडीशन को देखकर ही आती है शिप। तो ऐसे में इस वक्त इन लोगों का राशन आइटम जो है वो टाइम में बहुत ही दिक्कत रहता है, उनको बहुत ही फेस करना पड़ता है, शॉर्टेज ऑफ राशन रहता है और भी कई तरीके, चाहे वो डीजल भी हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही काफ़ी ज़रूरी होता है। अभी भी पैसेंजर बचा हुआ है और भी आने का है, लगभग शायद और भी 5-6 आने का है बोट का, और ऊपर से कार्गो भी है, तो टाइम लगेगा शायद 1/2 आवर या 1 घंटा मे बी। उसके बाद फिर यह शिप तरासा के लिए रवाना होगा। में राशन लेके गया है अभी। इस तो यहाँ तो पॉपुलेशन तो बहुत ही कम है,
सिर्फ एक दो हफ्ता एक महीना बाद आएगा तुम। दर्शन तो कर ही रहे। अभी वो लोग जा रहे हैं। कितना मुश्किल होता होगा यहाँ पे इनको जहाँ से पैसेंजर लेके आना और फिर भेजना, बहुत ही दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे चट्टी का थोड़ा इशू है। चट्टी तो है लेकिन बहुत ही छोटा है। इतना खूबसूरत दिख रहा है, देखिए चौर आइलैंड। एक गोलघर भी है, देख सकते हैं आप यहाँ भी है गोलघर। खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। अब और एक ट्रिप आ चुका है। अब ये पैसेंजर जो है शायद ये लोग कमोटा या तो कचाल के लिए है इसमें। बाइक का अनलोडिंग किया था मैंने, देखा नहीं। ये देखिए राशन पूरा उतार रहे हैं। एक बोट राशन का है और एक बोट पैसेंजर के लिए है। अभी सब पैसेंजर जो जाने वाला है अभी वो लोग आ रही है। देखिए अब हम निकल रहे हैं तरासा की ओर। 6 बज चुका है और इसी बहाने अब थोड़ा देर ये चौरा का थोड़ा नज़ारा देख लीजिए। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा ये पार्ट 2 वीडियो आपको, जो कि निकोबार ग्रुप में हम कैसे जा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स मेरे पिछले वीडियो को लेके, और आगे का वीडियो फिर देख के इसके थर्ड पार्ट मिलते हैं। इसी तरह प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स।